तो आज हम बात करने वाले हैं कि टॉप हाईएस्ट प्रोटीन सोर्स के बारे में और चीपेस्ट प्रोटीन सोर्स के बारे में, जो आपको कम से कम बजट में हाई प्रोटीन देगा और वो विदाउट सप्लीमेंट होगा। सब फूड से हम लोग प्रोटीन लेंगे। तो उससे पहले हमको ये मालूम होना ज़रूरी है कि आपको कितने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है दिन में। ये डिपेंड होता है पर्सन टू पर्सन, उनके एक्टिविटी के ऊपर और उनके बॉडी वेट के ऊपर। तो एग्जांपल, अगर जब एक एवरेज पर्सन है जो जिम नहीं जाते, तो अराउंड 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर बॉडी वेट आपको चाहिए। एग्जांपल, अगर जो आपका वेट 70 kg है, तो आपको 70 ग्राम ऑफ प्रोटीन दिन में चाहिए। अगर जो आप जिम जाते हैं, तो आपको 1.5 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर बॉडी वेट चाहिए। एग्जांपल, अगर जो आप 70 kg के हैं, तो दिन में आपको 105 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो ये हम लोग लेंगे फूड सोर्स के जरिए। तो कौन से फूड सोर्स से हम ले सकते हैं, आइए देखिए। तो पहला जो फूड है वो है मिल्क। तो 100 ग्राम ऑफ मिल्क में आपको 3.4 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल जाता है। अगर जो आप ये हाफ लीटर मिल्क लेते हैं, तो आपको 17 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल जाता है। और अगर जो आप 1 लीटर दूध लेते हैं, तो आपको 34 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल जाता है। यहाँ पे जो दूध होना चाहिए वो प्योर होना चाहिए, विदाउट वाटर। तो 24 रुपीज़ में आपको हाफ लीटर मिल जाता है। तो 24 रुपीज़ में आपको 17 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल जाएगा। तो बात करते हैं सेकंड फूड की, टोफू। तो 100 ग्राम ऑफ टोफू में आपको 8 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल जाएगा। इसे आप कच्चा भी खा सकते हैं, इसको सोया पनीर भी बोलते हैं, क्योंकि ये सोयाबीन से बनता है। पर इसमें फैट परसेंटेज ज़्यादा होता है, इसलिए ये लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन नहीं है। और इससे बहुत सारे लोग बोलते हैं मेन बूप से आ जाते हैं, पर वो तभी होता है जब आप इसको एक्सेस में लेते हैं, 3 टाइम्स इन अ डे लेते हैं। 100 ग्राम इन अ डे टोफू सेफ है। तो 200 ग्राम आपको मार्केट में 70 रुपीज़ का मिल जाएगा। तो 100 ग्राम आपको 35 रुपीज़ में मिलेगा। बात करते हैं थर्ड की, योगर्ट, दही। तो 100 ग्राम ऑफ योगर्ट में आपको 10 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल जाता है। तो जिससे आप प्री वर्कआउट में भी ले सकते हैं 2 बॉयल पटाटोज के साथ, जिससे आपको स्ट्रेंथ मिलेगी और वेट गेन होने में भी आसानी होगी। तो 55 रुपीज़ में आपको 1/2 kg ऑफ योगर्ट मिल जाता है। तो 100 ग्राम 9 रुपीज़ में। तो बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, बीन्स। दालें, जितनी भी दालें होती हैं, तो उसमें 100 ग्राम ऑफ और ऑलमोस्ट 100 ग्राम में 21 ग्राम ऑफ प्रोटीन रहता है, लगभग सेम ही होता है। तो पर आप 100 ग्राम दिन में दाल नहीं ले सकते, पॉसिबल नहीं है। तो एक टाइम पे आप 30 ग्राम ले सकते हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट आपको 7 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल जाएगा। तो बात करते हैं फिफ्थ नंबर की, सीथेन। तो सीथेन गेहूँ से बनता है। ये बहुत सारा वेजिटेरियन लोग यूज़ करते हैं प्रोटीन सोर्स के लिए, जिसमें आपको 100 ग्राम में से 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल जाता है। बात करते हैं सिक्स नंबर की, पनीर। तो 100 ग्राम में से 18 ग्राम ऑफ प्रोटीन आपको मिल जाता है, पर इसमें 1 ग्राम कार्ब्स और 20 ग्राम ऑफ फैट मिल जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे बॉडी बिल्डर इनको अवॉइड करते हैं। पर इसको अगर आप पनीर घर पे बनाते हैं, तो फैट ना के बराबर हो जाता है। तो सिंपल, आप दूध गर्म करने के लिए रखिए, उसमें नींबू निचोड़िए। दूध फटने के बाद जो ऊपर जो पानी बचता है, उससे बड़ी बड़ी कंपनीज वे प्रोटीन बनाती हैं, और जो नीचे जो दूध बचता है उससे पनीर बनता है। बात करते हैं सेवेंथ नंबर की, पीनट बटर। तो 100 ग्राम ऑफ पीनट बटर में आपको 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल जाता है। तो 100 ग्राम तो नहीं ले सकते, तो 2 टेबलस्पून में आपको 32 ग्राम मिलेगा, जिसमें 8 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलेगा। तो 1 kg ऑफ पीनट बटर आपको 200 में मिल जाता है। डिपेंड करता है आप कौन सी कंपनी का पीनट बटर यूज़ करते हो। अगर जो होम मेड पीनट बटर बनाते हैं, तो उससे आपको उससे भी कम में मिल जाता है, कम प्राइस में बन जाएगा। तो बात करते हैं सबसे सस्ते और रिच प्रोटीन की, सोया चंक। जो 200 ग्राम का बॉक्स आपको 40 रुपये में मिल जाएगा, जिसमें एक सर्विंग में आपको 50 ग्राम मिलता है 10 रुपये में। तो 100 ग्राम में आपको 52 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलता है, और 50 ग्राम में 26 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलता है। सोया चंक को एक्सेस में ना लें, तो उससे हार्मोन्स इनबैलेंस होने की प्रॉब्लम हो सकती है, पर 50 to 100 ग्राम सेफ है, उससे ऊपर ना जाएं।
तो ये थे वेज सोस, वेजिटेरियन सोस ऑफ फूड। अब हम बात करेंगे नॉन वेज के बारे में, नॉन वेजिटेरियन लोग कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। जो चीप सोस है नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए वो एग्स, तो एक एग 50 ग्राम का रहता है जिसमें 6 ग्राम ऑफ प्रोटीन रहता है, जिसमें अगर जी आप योग निकाल देंगे तो 3 ग्राम ऑफ प्रोटीन हो जाता है। अगर जी आपको दिन में 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन चाहिए तो आप 7 अंडे लेंगे, 7 एग्स लेंगे जिसमें से 5 एग वाइट होंगे और 2 फुल एग। तो बात करते हैं सेकेंड फूड की, फिश। 100 ग्राम ऑफ फिश में से आपको 22 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल जाता है, जिसमें 206 कैलोरीज रहती हैं एनर्जी, और फैट होता है 12 ग्राम। जितना जितना हो सके ट्राई कीजिए वाइट फिश लेने की, जिसमें उसमें प्रोटीन बहुत हाई रहता है और फैट बहुत कम। थर्ड नंबर पे आता है बीफ और पोक लाइन। जिसमें आपको 100 ग्राम में से 26 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल जाता है। ये अगर जो आप डेली 6 पीस तक लेते हैं तो आपका 5 kg वेट गेन हो सकता है। जो बात करते हैं फूड की, जो सबसे हाई इन प्रोटीन है चिकन ब्रीस्ट, तो 100 ग्राम में आपको 31 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल जाता है और 8.6 ग्राम आपको फैट मिलता है, जिसे आप लीन मसल मास गेन कर सकते हैं हाई प्रोटीन लेके और कम फैट लेके। तो 1 kg अराउंड 250 to 300 में मिल जाता है मार्केट में। तो ये थे कुछ फूड सोर्स जिसे आप प्रोटीन ले सकते हैं विदाउट सप्लीमेंट्स, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन के लिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा कर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5,000 लौंडे दिख जाना चाहिए, ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। जल्दी से लाइक और शेयर ठोक दीजिए, संख्या 5,000 क्रॉस हो जाए, महाकाल का आशीर्वाद एकदम जो है।